हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम विद यू इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड वन लेक्चर ऑन दिस टॉपिक. टॉपिक इज कैंसर. कैंसर, व्हाट इज कैंसर? यू नो दैट कैंसर आल्सो नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर. सम जो बेसिक आपके प्रीवियस लेक्चर्स है बेटा, उसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा. मैंने आपको पहले ही बताया कैंसर, what is the reason behind cancer, this is as one major cause. iska kya hai, what is the one major cause? that is uncontrolled cell division, uncontrolled cell growth. when this uncontrolled mass of divided cell remain constrained to a definite part of the body, that type of cancer or tumor. undifferentiated mass of cell, undifferentiated mass ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से जो मास ऑफ सेल बना है उसे ही ट्यूमर कहा जाता है. और जब वो जिस पार्ट में बॉडी के बन रहा है वहीं पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है तो उसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं. और वो अगर थ्रू बॉडी फ्लूड यानी ब्लड के कॉन्टैक्ट में ये सेल्स आएँ और एक दो सेल्स जो हैं बॉडी में दूसरे पार्ट्स में जाकर वहाँ पर नया अपना हैबिटेट बना लें और वहाँ पर वो फिर से नया कैंसरस बाकी की सेल्स को कैंसरस बनाने लग जाती हैं, तो ये मैलिग्नेंसी इसी को कहते हैं, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तब. और ये जो प्रोसेस है कि मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स, तो इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिन प्लेस नोन एज मेटास्टेसिस. ये सब कुछ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ. तो बेटा अब हम लोग आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये कैंसर नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विथ पोटेंशियल टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो मैलिग्नेंट वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड होगा. ये दिस इज कंसिडर्ड एज वन मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं, ड्यू टू इट्स सीवियरिटी प्रोसेस ऑफ ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल रिक्वायर मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन. तो यानी एक एमर्जिंग एरिया है, इस पर बहुत सारा काम हो रहा है. और ऑन्कोलॉजी, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टडी ऑफ कैंसर को बोलते हैं. कैंसर कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो बॉडी के कभी कभी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, मींस कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो कभी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, इससे कोई सेल जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है या और वायरसेस हैं. कुछ वायरसेस की लिस्ट मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और वो चैनल पर भी है. तो वो वायरसेस जो हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं कैंसर को. तो इन वायरसेस के अलावा अगर हम और देखें तो जो हमारी बॉडी की कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं. देखिए, हर एक सेल में ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें जो किसी तरीके के एबनॉर्मल एक्सपोजर से या कैंसरस एक्सपोजर से वो सेल क्या हो जाती है, कैंसरस हो जाती हैं. तो ऐसे ही जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऐसे केमिकल्स को या ऐसे एजेंट्स को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन कहा जाता है. और ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं उन जीन्स को कहा जाता है ऑन्कोजीन्स. तो अब हम बात करते हैं कि जो कैंसरस एजेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या आ सकते हैं. देखिए, रेडिएशन से रिलेटेड एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, वायरल बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जैसे ऑन्कोजीनिक वायरसेस हो सकते हैं या वायरल ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं. यानी कि सेल में पहले से ही कुछ ऐसे जीन्स होते ही हैं, हर एक सेल में होते हैं, बट ये कैसे रहते हैं, ये रेसेसिव मोड में पड़े रहते हैं और ये एक्टिव नहीं होते हैं. तो इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहा जाता है. अगर ये कभी एक्टिवेट हो जाए तब ये ऑन्कोजीन्स कहलाएंगे. और अगर किसी सेल में ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए तो इसका ये मतलब होता है कि वो सेल क्या है, कैंसरस हो गई है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है. देखिए इस तरह से, तो देखेंगे आप जो रेडिएशन से रिलेटेड एजेंट्स हैं लाइक आयनाइजिंग रेडिएंस लाइक एक्सरेज, गामा रेस एंड यूवी रेस. इसके अलावा केमिकल एजेंट्स में टोबैको स्मोक, सोडियम अजाइड, मेथिल एथनेट. और इसके अलावा वायरल ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं. तो वायरल ऑन्कोजीन्स और सेलुलर ऑन्कोजीन्स में डिफरेंस है कि जैसे वायरल ऑन्कोजीन्स का मतलब हुआ कि जो वायरस है वो इन्फेक्ट किया और उस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से
जो उसने एक एजेंट की तरह काम किया, कार्सिनोजेन की तरह काम किया और बॉडी की सेल को कैंसरस कर दिया। तो वो वायरस के जो जीन्स होते हैं, जो वायरस अपने साथ लेकर आता है और नॉर्मल हेल्दी सेल के जीन के साथ इंटीग्रेट कर देता है, वो वायरल ऑन्कोजींस कहलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी क्या हर एक ह्यूमन के पास अपने सेल, जो उसका सेल स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, जो 46 क्रोमोजोम का जीनोम है, उस जीनोम में कुछ सेल्स अपने आप ही कैंसरस हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि पहले से ही उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो सेल्स में क्या होता है, अगर हम देखें कि कोई सेल कैंसरस सेल है या नॉर्मल सेल है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल जब बात करते हैं तो देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है वायरल सेल्स का, कि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती हैं। तो जनरली आप देखिए, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो एक सेल से दूसरी सेल इस तरह से अटैच होती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि इसके ऊपर ऐसे ही कहीं से भी कोई भी सेल आके अटैच हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, इस तरीके का अरेंजमेंट नॉर्मल सेल्स का नहीं होता है। तो और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जब इनसे कोई और सेल आके अटैच हो जाती है, यानी कि अब यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है और इतना ही डिवीजन से जो नई सेल्स हो सकती है, इतना ही ग्रोथ यहाँ पॉसिबल है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, नॉर्मल सेल्स जो होती हैं इनमें कांटेक्ट से, यानी जो अदर नियर बाई सेल्स की ग्रोथ है उनकी कांटेक्ट को ये सेंस कर लेती हैं, और अब इनमें ग्रोथ नहीं होनी है या सेल डिवीजन नहीं होती है, ये इनको इन सेल्स का डिसीजन होता है। लेकिन जब कोई सेल कैंसरस हो जाती है तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है, मीन्स कि इसके बगल में स्पेस नहीं है, फिर भी यहाँ पर अनकंट्रोल्ड वे में ये सेल्स डिवाइड करती ही जाएंगी, जिससे कि एक ट्यूमर मास ऑफ सेल क्रिएट हो जाएगा। और ये जो ऑर्गेन है ये तो अफेक्टेड ही है, इसके बगल कोई और ऑर्गेन है वो भी अफेक्टेड होने लगेगा, क्योंकि ये जो ट्यूमर है यहाँ जितना स्पेस था उससे बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर चुका है, और इस सेल को, इस पार्ट को बॉडी के जो है उसे भी क्या करने लगेगा, रप्चर करने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिसरप्टेड सेल सेल एडहेशन और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका, कैंसरस सेल्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, इसके अलावा हम और देखें तो इनका जो कैंसरस सेल्स होती हैं कैसे फॉर्म हो जाती है बॉडी में किसी किसी पार्ट में, तो यहाँ आप देखेंगे कि कैंसरस सेल्स जो है ये इस तरीके का बना लेती हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स थी जब वो डेवलप हो रही थी, तो देखिए कितना प्रॉपर वे में एक सेटअप के साथ। और यहाँ अगर जो ट्यूमरस सेल्स हैं, जितना स्पेस है उसमें भी देखिए कितने हैब्जर्ड मैनर में सेल आ जाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनमें और साथ ही साथ अगर हम और देखें तो होता क्या है कि ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनका कुछ और अगर स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, तो इनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं, न्यूक्लियस इन सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत कम रह जाता है, और क्रोमैटिन, इनका कोर्स क्रोमैटिन, थिक क्रोमैटिन हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ ये सेल्स बिल्कुल कहते हैं जिनको वोरेसियस फीडर्स होती है, यानी कि ये सेल्स क्या होती है, भूखी होती है, इनको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है। और इन सेल्स की एक खास बात क्या होती है कि इनमें ब्लड वेसल्स की प्रॉपर सप्लाई मिलती रहती है, और ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट मान लीजिए इस तरीके से है, ऐसे कोई ब्लड वेसल आकर जुड़ी है तो ये जो ब्लड वेसल है इसको सप्लाई रुक जाएगी, और सिर्फ इसी ब्लड वेसल में सप्लाई चलती रहेगी, और यहाँ पर सप्लाई रुक जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये जो कैंसरस सेल है यहाँ पर सिर्फ यही ग्रो करेगी, यहीं की सप्लाई बनी रहेगी, और ये जो ये सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स हैं ये डेड होने लग जाती हैं, यानी कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं, जो नियर बाई सेल्स होती है उनका न्यूट्रिशन भी कंज्यूम कर लेती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तब अब हम लोग देख रहे हैं कि मास ऑफ प्रोलीफरेटिंग सेल्स को हम न्योप्लास्टिया कहते हैं या न्योब्लास्टिक कहते हैं या ट्यूमर सेल्स कहते हैं। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। तो इस तरीके के ट्यूमर को मैंने आपको बताया मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब हुआ कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव भी कर सकता है, इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये, आप देख सकते हैं इन्वेड एंड डैमेज सराउंडिंग टिश्यू, बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है नियोप्लासिया, यानी कि ये ट्यूमर कॉज करती हैं। कैंसर सेल्स एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मूव डिस्टेंट प्लेसेस बाय ब्लड वेयर दे गेट लोकेटेड, और यही फिनोमिनन क्या कहलाती बेटा, ये फिनोमिनन जो है, ये फिनोमिनन को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इस फिनोम को कहते हैं, फिनोमिनन को कहते हैं मेटास्टेसिस। फिर
जूस यहाँ पर हम बात करें कि इसको पता कैसे लगाया जा सकता है, डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है कैंसरस हो गई है कोई सेल, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट मतलब कि कोई पार्ट है बॉडी का, उसका टिश्यू लिया जाएगा और उस टिश्यू की टेस्ट की जाएगी। जैसे कि आपको मैंने सेल, कैंसरस सेल नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है, उसका जो अरेंजमेंट है, अगर पूरे से टिश्यू को, जैसे कि आप यहाँ वाले में देख चुके हैं कि ये इस तरीके का अरेंजमेंट दिखता है, एक नॉर्मल मैनेज्ड जो सेल का अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है, वो सब नहीं दिखता है, और सेल्स जो होती हैं वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करती हैं। तो यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्टिंग से, यानी है कि जो टिश्यू सैंपल भेजे जाते हैं उनके सेल्स की स्टडी की जाती है और सेल्स के कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। अगर कैंसरस सेल्स जैसे कैरेक्टर होते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट से क्लियर होता है कि ये पर्सन को कैंसर हो गया है। इसी तरीके से जो एक्सरेज हैं उनके माध्यम से, कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन के द्वारा भी जो इमेजेस होती है इंटरनल बॉडी पार्ट्स की वो क्रिएट किए जाती हैं और इससे भी पता लगाया जाता है। इसी तरीके से एमआरआई की जा सकती है और इस तरीके से जो टिश्यू है उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उनसे उनको डिटेक्ट कर लेती है। और ये एमआरआई टेक्निक, तो एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे टोमोग्राफी हो गया, और इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट हो गए। तो ये सभी जो है टेस्ट हैं जिससे कैंसर के बारे में पता लगा जा सकता है। अगर पता चल गया है तो उसके बाद रेमेडी क्या है? तो एक्चुअली जैसे आप COVID-19 के बारे में देख रहे हैं कि हमारे सेल में, किसी के बॉडी में COVID-19 आ रहा है तो उसको इन्फेक्शन से उसकी डेथ नहीं हो रही है, लेकिन किसी किसी पर्सन की इमिडिएटली विद इन 1 वीक डेथ हो जा रही है। तो क्या ऐसा है कि किसी की डेथ हो जाती है और किसी की डेथ नहीं होती है? तो इसमें मेन चीज़ है एंटीबॉडीज़ का रोल होता है। एंटीबॉडीज़ जो, इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को कैंसर हो गया है तो वो कैंसर सेल्स भी एंटीजेन की तरह हमारी बॉडी उनको बिहेव करती है और उस एंटीजेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और क्या करती है कि हमारी बॉडी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हार जाता है तो उस समय क्या होता है कि कैंसरस हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें जगह जगह पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर डेवलप होने लग जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि फिर इसके बाद ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो सर्जरी की जा सकती है, रेडियोथेरेपी की जा सकती है और कीमोथेरेपी की जा सकती है, और कभी कभी इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सर्किल है जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें तीनों के बारे में दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी में रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स सर्जरी के माध्यम से, लेकिन अगर बॉडी के बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर ट्यूमर डेवलप हो चुका है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इनिशियल स्टेज पे ये बहुत ही सक्सेसफुल और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और कैंसर सेल्स को रेडिएशन से डिस्ट्रक्ट करना यानी कीमोथेरेपी, ये ऑप्शन है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तो चलिए ठीक है, वो बेरेबल है, हेयर फॉल हो गया, बट कभी कभी क्या होता है जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इतना एरिया है और यहाँ पर इस तरीके से सेल्स अरेंज हैं और कुछ ही पोर्शन है जो कि कैंसरस हुआ है, यानी कि इतने पोर्शन में कैंसर है और बाकी पोर्शन में नहीं है। और जब रेडिएशन थेरेपी यूज़ की जाती है, यानी कि इस तरह से अगर रेडिएशन डाला जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये टारगेट पर रेडिएशन ना जाकर अगर इन नियर बाई सेल्स पर जो नॉर्मल डेवलप हो रही है उन पर रेडिएशन चले जाएगा तो ये सेल्स भी इन फ्यूचर कैंसरस हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बहुत स्किल्ड पर्सन चाहिए होता है। साथ ही साथ कीमोथेरेपी में डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स यूजिंग ड्रग्स, एंटी कैंसर एजेंट्स का यूज़ किया जाता है और ड्रग्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट जहाँ तक बात है कैंसर इस स्टेज में पहुँच चुका हो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इन कंपैरेटिव टू कि भाई अब तो वो बहुत ज़रूरी है कि हाँ इलाज किया जाए और जान बचाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो समराइज़ करूँगी मैं आपको कि जो ये थेरेपी है, चाहे वो कीमियोथेरेपी हो, सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी है, इसे यूज़ किया जाता है और यही अभी तक अवेलेबल चीज़ें हैं। इस तरह से यहाँ पर आप ये जो डायग्राम है इसमें देख पा रहे हैं, इनको ले जाया जा रहा है थेरेपी के लिए। तो ये मशीनें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, इसे देखकर भी इंसान डर जाता है। वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर वायरस की वजह से कैंसर हुआ है, तो
तो क्या देखिए, रेडियोथेरेपी का यहाँ पर बहुत छोटा सा दिखाया है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये प्रेजेंट करती हैं वायरस को कि ये वायरस है, और उसके बाद रेडिएशन इसी वायर मीन्स जो अफेक्टेड सेल है, ट्यूमर सेल्स है, उनके ऊपर रेडिएशन किया जाता है अप्लाई, और क्या होता है, ट्यूमर सेल की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बाकी जो सेल्स है, हमारा इम्यून सिस्टम वो काम करता है और इसे हटाता है हमारी बॉडी की सेल्स से, तो डिस्ट्रॉय करता है थोड़ा सा। इसके साथ ही बेटा मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मैं इसके पहले एक जो और लेक्चर दे चुकी हूँ, ये बुक का पोर्शन जो था उसे ही डिस्कस करना चाह रहे थे। तो इसके साथ ही आज का ये कैंसर पर जो एक बहुत छोटा सा, बट आई होप कि आपके लेवल पर, 12th क्लास के लेवल पर एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, जिसमें कि आपको मटेरियल तो मैं पहले दे चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना चाह रही थी, और जो बेसिक मेन मेन पॉइंट्स थे, जो टर्म्स थे, स्पेशली टर्म को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप जो ये लेक्चर है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।